हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड। मैं हूं आपका अपना विजय। सो आज हम गणपति दर्शन को निकलेंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं, गणेश चतुर्थी चल रही है। सो हमारे शहर जगदलपुर पे कई जगह गणेश जी को विराजमान किया गया है। सो आज हम गणेश जी के दर्शन के लिए निकलेंगे हमारी माता राम हमारी मम्मा जी के साथ। तो हम भी दर्शन करेंगे, साथ ही आप लोग भी दर्शन करिए। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड इस बेल आइकॉन पे बिल्कुल क्लिक करिएगा ताकि न्यू अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। चैनल्स को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सो मिलते हैं आप लोगों को अब थोड़े से देर के बाद। तब तक के जय श्री राम। सो जगदलपुर पे गणेश विराजमान है कई जगह, उनमें से ये पंचपद चौक जहाँ पर बाबा केदारनाथ जी का मंदिर बनाया गया है। तो आज हम गणेश देखने निकले हुए हैं। अभी हम दुर्गा चौक स्थित गणेश जी की प्रतिमा देखने आए। वहाँ हमारे मित्र हमारे छोटे भाई आशु आचार्य जी जो आप तक कुछ बहुत ही अच्छा संदेश देना चाहते हैं। तो प्लीज़ गाइस ध्यान से सुनिए और इसे अमल जरूर करिए। आशु भाई, आप सभी को प्रणाम। जय श्री गणेश। सो आशु भाई, आप सभी को जय श्री गणेश। जैसा कि गणेश भगवान का महापर्व जो है वो अंतिम चरण में आ गया है, भगवान अब विसर्जन की ओर जा रहे हैं। हम सब भगवान को विदाई देने वाले। तो मेरा सभी भक्तों से सभी समितियों से एक ही आग्रह है कि इतने दिन जहां हम श्रद्धा के साथ भगवान को पूजा पाठ सब किए, तो विसर्जन के समय कुछ शुद्धियों को अपने सामने मत लाएं, जैसे शराब आदि का सेवन। भक्ति के भाव में नशे का कोई जगह नहीं होता। भक्ति जो करता है उसको नशा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ आप सभी का भक्ति जो है नशे से ऊपर है। कृपया नशे के साथ विसर्जन में ना आए, भक्ति के साथ विसर्जन में आए और इस विसर्जन और इस सनातन संस्कृति का जो आनंद है उसका आप आनंद। आप सभी को प्रणाम। आशा है कि मेरी बात पर आप सब अमल जरूर करें। तो आशु भाई ने जैसे अभी संदेश दिया है कि 9 दिन 10 दिन जो हम गणेश जी का इतना धूमधाम से जो उत्सव मनाते हैं, आखिरी जब विसर्जन का समय आता है तो अक्सर देखा गया है। वाकई सही बात बोला आशु भाई ने। जैसे कि कई रहते हैं, कहते हैं कि कुछ सभी लोग रहते हैं जिसकी वजह से पूरे हिंदू समाज के लोग सनातनी लोग जो बदनाम हो जाते हैं। सभी दोस्तों से आग्रह है कि ऐसा ना करें बिल्कुल, क्योंकि इससे लोगों के बोलना चाहिए भाव को भी ठेस पहुँचता है। और ना ही करें यार, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जब तक भोलेनाथ, कई तो ऐसा बोल देते हैं कि ये भोलेनाथ के ही प्रसाद है। कहीं ऐसा दिखाया गया नहीं है कि भोलेनाथ ने कहा है कि आपको कुछ नशा पानी करके ही
आप भगवान को लेके निकल रहे हैं यार, तो मन चंगा रखिए, बाकी सब सही हो जाएगा। तो आशु भाई के मैसेज को ज्यादा से ज्यादा वायरल करना है हमको, और आशु भाई कुछ कह रहे हैं एक बार फिर से। पहले युवा से मुलाकात हुई, मैंने उससे कहा कि नशा ना करो, तो उसने कहा कि इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। सबको बता दूं कि जो इंजॉयमेंट है पूरा वेस्टर्न कल्चर का देना, हमारी संस्कृति में सनातन। जब श्री राम अयोध्या आए तो हम दीप जला के उनका स्वागत किया, हम रक्षाबंधन का इंजॉय करते हैं राखी पर। हमारे सनातन संस्कृति में कोई नशा वशा का ऐसा कोई जगह नहीं। आप अपनी भक्ति के साथ गणेश जी को रखिए, सब चीज से दूर रहिए, विश्वास कीजिए भक्ति में जो आनंद है वो आनंद किसी और चीज में नहीं है। बहुत बहुत सही लाइन कही आशु भाई ने यहाँ पे, तो बाकी गाइस ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल नशा पानी सकता है हमें देखने को ना मिले, क्योंकि हम अभी निकलेंगे जब गणेश विसर्जन होगा उस दौरान। तो सभी से आग्रह फिर से हाथ जोड़कर कि नशा पानी बिल्कुल ना करें, एक अच्छा संदेश जाए ताकि आने वाले साथ आप लोगों गणपत सागर स्थित कृष्ण मंदिर के सामने गणेश जी की प्रतिमा जगदलपुर। बहुत ही प्यारी मूर्ति जैसा कि देख सकते हैं आप। ये हमारी माता राम मम्मा जी प्रसाद खाते हुए संतोषी वार्ड स्थित गणेश जी की प्रतिमा, बहुत ही प्यारी प्रतिमा यहाँ भी बैठाई गई है। आप सभी दर्शन करें। सो आज मम्मा जी को लेकर निकला हूँ गणेश जी के दर्शन करने में जगदलपुर में, जहाँ जहाँ विराजमान है। अभी तक हमने पंचपत चौक, दलपत सागर चौक, दुर्गा चौक और अभी संतोषी वार्ड। सो ये हाट कचोरा स्थित गणेश पंडाल, तो आज गणेश जी देखने मेरी बुलेट पे, मेरी पहली राम प्यारी मेरी बुलेट पे निकले हैं। पानी स्टार्ट हो गया है तो अभी रुके हम। अजा चौक गणेश उत्सव समिति विराजमान गणेश जी। आतिश चौक गणेश उत्सव समिति कीदम रोड, बहुत ही सुंदर प्रतिमा बैठाई गई है यहाँ पे युवाओं के द्वारा। आज दूसरा दिन है जब गणेश जी हम देखने निकले हैं। कल पानी गिर गया था तो कुछ जगहों का रह गया था देखने के लिए, तो आज फिर से मैं और मम्मा जी फिर से देखने निकले हैं आज गणेश जी। भगवती लक्ष्मी
बालाजी बाल गणेश उत्सव समिति द्वारा श्री केदारनाथ धाम मंदिर बनाया गया पंडाल में। सो ये सामने हमारे नंदी महाराज और ये मंदिर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्म मुरारि सुराजितलिंगम निर्मलभासि सुशोभितलिंगम जन्मादुःख विनाशकलिंगम तद प्रणमामि सदाशिवलिंगम तद प्रणमामि सर्वसुगंध सुलेपितलिंगम बुद्धिविवर्धन कारणलिंगम सिद्धसुरासुरवंदितलिंगम तद प्रणमामि सदाशिवलिंगम तद प्रणमामि सदाशिवलिंगम तद प्रणमामि सदाशिवलिंगम। ये जैसे केदारनाथ आप जाएंगे तो सामने नंदी महाराज विराजमान, सेम उसी तर्ज पे बालाजी बाल युवा गणेश समिति द्वारा भी कुछ ऐसे ही बनाया गया है। ये हमारे भोलेनाथ गणेशोत्सव समिति द्वारा विराजमान गणेश जी। लालबाग हम बस्तर समिति के काले राजा 12वां साल है ये। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा जो है काले रूप में बैठाई जाती है। ये हमारे भोलेनाथ यहाँ भी विराजमान है। श्री गणेश शरणम नमः श्री शुक्र कर्ण शरणम नमः श्री गणेश शरणम नमः श्री शुक्र कर्ण शरणम नमः पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। हम मिलते हैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री गणेश, जय भोले शंकर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।